डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ में एक बार फिर दिया गया गोगशी को अंजाम। मामला थाना ब्रह्मपुरी के माधवपुरम चौकी क्षेत्र के कमेटी हॉल का है, जहां देर रात गोगशी की घटना को अंजाम दिया गया। जब गोकशी की सूचना लोगों को लगी तो मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया गया। सूचना पर पहुंची कई थानों की फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए बड़ी मुश्किल से घंटों तक चले हंगामे को शांत कराया। वहीं पुलिस ने जल्द से जल्द गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। सोचने वाली बात यह है कि रिहायशी इलाके में रात गोकशी की गई है। इसे साफ जाहिर होता है कि माधवपुरम चौकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे चौकी में बैठी रहती है और गोकशी करने वाले लोगों को शरण दे रही है। बताया जा रहा है कि गोकशी करने वालों का चौकी में आना जाना रहता है और वह पुलिस की खातिरदारी करते हैं, तभी तो बेखौफ होकर गोकशी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देखिए हंगामे की कुछ तस्वीरें। क्या मामला बोला? आज माधवपुरम चौकी अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।